नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। चुनावी मूड में तेजस्वी राघोपुर दौरे पर लोगों से की बात, कहा कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बिहार बीजेपी दफ्तर में लटक गया ताला, नेताओं को अध्यक्ष से मिलने से पहले टाइम फिक्स करना होगा तभी मिलेगी एंट्री। सभी सत्ताधारी दलों ने दिया है अन्नदाताओं को धोखा, अर्थव्यवस्था नीति ही ऐसी बनाई गई कि किसान गरीब बने। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में की खुदकुशी। अब खबरें विस्तार से। बिहार सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो जुड़ा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। 13 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ और कोरोना पर मंत्री और अधिकारियों से उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे थे, उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक मच्छर आया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न चाहते हुए भी उस मच्छर को मारने लगे, जो वीडियो में कैद हो गया और फिर दिन भर सोशल मीडिया पर इसके सीन बनाए जाने लगे और शुरू हो गया बिहार सरकार और नीतीश कुमार को घेरने का सिलसिला, जो अब तक जारी है। इस वीडियो के माध्यम से नीतीश कुमार और सरकार से नाखुश लोग जहां विभिन्न तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर किया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हो भी क्यों ना, कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव जो है, अभी देखें यह वीडियो। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 90 दिनों से मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर नहीं निकले, जबकि पूरे बिहार की जिम्मेवारी उन पर है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यह जान चुके हैं कि बिहार की जनता उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। अभी सुने और देखें कि आखिर क्या कहा तेजस्वी यादव ने। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है और आश्चर्य की बात है कि 90 दिन से, जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से वो अपने मुख्यमंत्री आवास से एक अन्य मार्ग से बाहर नहीं निकले हैं। और अभी एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मक्खी मार रहे हैं। अब लगता नहीं है, अब नीतीश कुमार जी को भी अब एहसास हो गया है कि अब दोबारा जनता जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है, क्योंकि उन्होंने 15 साल केवल मक्खी मारा है, कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में हैं। तेजस्वी यादव सुबह कार से राघोपुर पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव रास्ते में लोगों से बातचीत करते रहे, अपनी कार से पूरा राघोपुर के बारे में बताते रहे, कैसी खेती होती है यहाँ। इसके साथ ही लोगों से लगातार तेजस्वी यादव बात करते रहे। बीच बीच में लोगों का हुजूम के कारण तेजस्वी को गाड़ी रोकनी पड़ती थी। तेजस्वी लोगों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताने के लिए। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत राघोपुर प्रखंड में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के एक कमरे का फीता काट कर किया उद्घाटन। इस पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पटना के मुकामटडाल में हुए दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार के लिए लोजपा ने सरकारी नौकरी की मांग की। इस बाबत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दोनों मृतकों के परिवार के एक एक सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। चिराग ने सीएम नीतीश को लिखे पत्र में कहा है कि 29 मई को मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के टाल इलाके में दो महादलितों की हत्या बेरहमी से ईंट पत्थर से कूच कर दी गई थी।
उक्त हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद 4 जून को लोजपा के 6 सदस्यीय कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बिहार बीजेपी नेतृत्व ने कुछ ही घंटों में पलटी मार दी। जैसे ही यह खबर चलाई कि बिहार बीजेपी के दफ्तर में पार्टी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अब वही नेता पार्टी ऑफिस में जा सकते हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से इजाज़त दी जाएगी। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से बजाबता मेन गेट पर नोटिस चिपका दिया गया। नोटिस में लिखा गया था कि बहुत ज़रूरी हो तभी कार्यालय आए, अन्यथा कार्यालय नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष से अगर मिलना हो तो पहले टाइम मुकर्रर करे, उसके बाद ही दफ्तर आए। खबर सामने आने के बाद नेतृत्व की खिंचाई होने लगी। बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठने लगे कि कोरोना का बहाना बना नेतृत्व ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर पाबंदी लगा दी। लिहाजा जिस तेजी से नोटिस को चिपकाया गया था उसी तेजी से नोटिस को हटा दिया गया है। वंचित समाज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन ललित सिंह ने कहा है कि आज़ादी के बाद से कोई भी सरकार किसानों के हित की नहीं सोची। यही कारण है कि अन्य सभी वर्ग आगे बढ़ गए लेकिन किसान वहीं के वहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां सत्ता में आई हैं सभी ने किसानों के साथ धोखा ही किया है। सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता तो कभी चिकित्सीय भत्ता मिलता है लेकिन किसानों को सिर्फ उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना से लोग स्तब्ध हैं। उनके घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि वह 6 माह से डिप्रेशन में थे। जब सुशांत की उम्र 16 साल थी उसी वक्त उनकी माँ गुजर गई थी। उन्होंने 10 दिन पहले माँ के नाम एक पोस्ट लिखा था। यह एक्टर सुशांत सिंह का अंतिम पोस्ट है। सुशांत ने लिखा, आंसुओं से बासिप्त होता अतीत, मुस्कुराहट के एक आर्क को उकरते सपने और एक क्षण भंगुर जीवन, दोनों के बीच बातचीत। बता दें सुशांत वे कई बार सोशल मीडिया पर मां के प्रति प्रेम को चिता चुके थे। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के फार्मासिस्ट और ANM के 1500 कर्मचारी जाएंगे 14 दिन के होम क्वारंटाइन में। वेतन विसंगति की समस्याओं को लेकर जाएंगे फार्मासिस्ट होम क्वारंटाइन में। फार्मासिस्टों का आरोप है COVID-19 के संकट काल में सिर्फ आयुष चिकित्सकों का मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 44,000 कर दिया गया था, जबकि फार्मासिस्टों के मानदेय में नहीं की गई कोई वृद्धि। हम लोग के साथ भेदभाव नीति ना करें, हम लोग को भी वही मानदेय दें जो बिहार सरकार निर्धारित किया हुआ है, RBS के फार्मासिस्ट को भी, RBS के ANM को भी। पटना पुलिस को मिली अहम कामयाबी, लोडेड कट्टा के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत रामलखन महतो फ्लैट स्थित देवी स्थान से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अपराधी अभिरंजन राज
पिता बच्चन देव कुमार जो कि यारपुर कहलटोली का रहने वाला है उसे एक लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं जक्कनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने पूरे मामले पर बात करते हुए कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी आपराधिक घटना को कारित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा छापेमारी किया गया और इस दरमियान पुरानी जक्कनपुर स्थित देवी स्थान के पास से अभिरंजन राज को एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मौके से कई अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और भी कई अपराधी के गिरफ्तार होने की संभावना है। 10 दिनों में नाला उराही सहित मरम्मती के कार्य पूरे नहीं होने पर बुडको एवं निगम के पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। जिलाधिकारी कर रहे हैं सभी सम्प हाउस का निरीक्षण। कल सीएम की बैठक के बाद जाग उठा जिला प्रशासन। बीते दिनों डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आने वाले बाढ़ और बारिश की संभावना को लेकर हुआ था मंथन। बीते वर्ष राजधानी में जल जमाव की समस्या दोबारा न उभरे सभी अधिकारी को सीएम ने दिया आदेश। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पटना से है। रविवार को रक्तदान दिवस होने के चलते आम जनता के बीच काफी उत्साह देखा गया। राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर पहले से ही जनता को जागरूक किया जाता रहा, इसलिए मानवीय मूल्यों के कारण लोगों ने रक्तदान में रुचि दिखाई। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रक्तदान करना चाहिए, इससे डोनर के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इनका यह भी मानना है कि रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। रक्त के हर बूंद से किसी पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि आज अधिक से अधिक लोग इस खास दिवस पर ही नहीं सामान्य दिनों में भी रक्तदान जैसे नेक काम से जुड़कर पीड़ित मानवता की सेवा करने हेतु तत्पर रहे। रक्तदान करते समय शरीर में पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए, फ्लूइड लेवल मेंटेन होना चाहिए। जब आप रक्तदान करें, रक्तदान करने के बाद तुरंत कहीं दौड़ के ना जाएं, कोई भारी काम ना करें, थोड़ा देर आराम करें, पानी पिएं, पानी भरपूर मात्रा में पिएं। रक्तदान करने के बाद अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पी लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई कमजोरी होगी और बहुत आसानी से आप रक्तदान कर सकते हैं। किसी आदमी के जान को बचाने के लिए रक्तदान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कोई गंभीर बीमारी हो, कोई बड़ा ऑपरेशन या हो, या फिर कोई दुर्घटना हो, इन सभी चीज़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्टर के लिए रक्त होता है। रक्त से ही जीवन बचता है। एक डॉक्टर जो भी दवा देता है
वो रक्त के द्वारा ही पूरे शरीर में फैलता है और जहां उसकी जरूरत होती है वहां पे वो दवा काम करता है। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक परिवार के 6 लोगों को पटना सिटी के बाईपास थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में जितेंद्र कुमार पटना SP ईस्ट ने बताया कि यह परिवार बैंकों में रेकी करने के बाद लूट की घटना को अंजाम देते थे। वहीं दूसरी तरफ सुनसान जगह पर आने जाने वाले लोगों को लूट कर फरार हो जाते थे। पटना पुलिस इन लुटेरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और आखिरकार पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली और लूट की घटना देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि पिछले दिनों बाईपास थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी के पास बैंक से रुपए निकालकर आ रहे एक वृद्ध महिला से इन लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जाता है यह हाजीपुर के रहने वाले हैं। जिले में एक मुखिया द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि ब्रौनी थाना क्षेत्र बुलेट चोरी के आरोप में युवक को मुखिया ने पकड़कर एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई की। युवक अपने आप को निर्दोष बताता रहा और मुखिया से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। जब युवक अधमरा हो गया तो दबंग मुखिया ने उसे छोड़ा, जिसके बाद आनंद फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव को लेकर हर पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। BJP ने तो वर्चुअल रैली करके चुनावी शंखनाद भी कर दिया, वहीं जदयू भी चुनावी तैयारी को लेकर मीटिंग कर रही है। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट के बीच प्रशांत किशोर CM नीतीश कुमार पर सियासी हमला किया है। कभी JDU के रहे प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर फैक्ट के साथ बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं। PK ने आज ट्वीट कर लिखा कि देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9 पॉजिटिव केस दर्ज और 6,000 से ज़्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। आगे प्रशांत किशोर ने ट्वीट में लिखा है कि 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से न निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। प्रशांत किशोर के अलावा राजद चीफ लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर CM पर ऐसा ही आरोप लगाकर हमला कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।